अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकती, बेहतर हशा वाली गर्मी थी, और बस सुकून नहीं मिल रहा था अपना, पंखों की हवा पता चल रही थी ना, कूलर की पता चल रही थी। और आज देखो अल्लाह ने अपनी रहमत इतनी बरसाई है, माशाल्लाह बारिश हो रही है, दिख नहीं रही है ऐसे बारिश, अभी मैं ऐसे दिखाती हूँ, और ये देखें बारिश हो रही है खूब, अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा रहे हैं, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ये वालियों ने तो अभी कपड़े फैलाए थे बेचारियों ने, सारे गीले हो गए इनके तो कपड़े। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, हमारी खिड़की पर तो सारी ये टंगी टंगी ही दिखती, कुछ अच्छा व्यू दिखता ही नहीं, बस काली काली टंकियां दिखती हैं। कभी खड़े भी हो ना विंडो पे, केला चलो कुछ अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता खाली टंकी के अलावा या कपड़े फैलने के अलावा। और आज अल्लाह का शुक्र है आज सुकून है बहुत ही ज्यादा, वरना सुबह में भी हम उठे थे ना 7 बजे, तो 7 बजे भी ऐसा लग रहा था भरी दोपहरिया हो रही है सुबह 7 बजे, लेकिन ये एकदम से ही 10-11 बजे के करीब मौसम अच्छा हो गया और बारिश हो रही है। अब अल्लाह ताला ने बस गर्मी कम कर दें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। शुक्र आज खाना बनाने में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और आज मैं बनाऊंगी गोभी गोश्त और एकदम भुनवा भुनवा, और उसके साथ बनाऊंगी रोटी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, आज खाना बनाने में आएगा मज़ा, इतना जो पसीना बहता था वो नहीं बहेगा। अब हम चलते अपने किचन की तरफ, मैं आ गई हूँ बातें करते करते। अभी हाँ एक काम रह गया, सिर्फ चादर बिछानी बाकी रह गई है मेरी, बाकी सारा काम हो गया। और अभी अभी मैं फ्रेश हुई हूँ नहा ली मैं, और बिल्कुल जब भी बारिश हुई है, वरना मैं बारिश में जरूर नहाती। ये एक बड़े बर्तन में कर लिया मैंने, अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी, सब्जी खूब अच्छे से मैं धोऊंगी, और ये मैं अब इसमें से छन्ने में निकाल लूंगी अपनी गोभी, ताकि इसका जितना भी पानी होगा सब निकल जाए। मैंने गोभी गोश्त का मसाला निकाल लिया है, कुटी हुई मिर्चे, नमक, हल्दी और धनिया मैंने कम लिया है, धनिया लिया है कम से कम मैंने करीब करीब आधे चम्मच से भी कम लिया है, जीरा, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये टमाटर आधा केजी, ये हमारा है गोश्त, और गोश्त जब से मंगाया था मैंने पानी में भिगो दिया खूब अच्छे से, और ये मैंने जला दिया गैस, और ये रख दिया मैंने कुकर, ये कुकर हमारा सूख गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सरसों का तेल, बिस्मिल्लाह, सरसों का तेल खूब अच्छे से पकने दूंगी, ये तेल देखें तेल में से कितना धुआं निकल रहा है, लेकिन अभी मैं एकदम मसाला नहीं डालूंगी, जल जाएगा मसाला, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी जब मैं डालूंगी मसाला अपना। ये मैं मसाला डालूंगी अब, और ये भी हमारा गोश्त, अब मैं इसकी अच्छी से खूब गोश्त की भुनाई करूंगी। वैसे एक साथ भी डाल सकते हैं, गोभी और गोश्त एक साथ डाल दो, लेकिन मैं भुनाई करके और 2 सीटी लेके जब डालूंगी गोभी, इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लूंगी मैं, और ये खूब अच्छे से हमारी भुनाई हो गई है, कम से कम 10 मिनट हो गए मुझे भुनाई करते करते। अब इसके अंदर मैं सीटी लगाऊंगी 2। ये गोभी गोश्त का ये मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, काली मिर्च ली और जीरा लिया, ये भूनूंगी मैं। और ये हमारा बोटियां गल गई हैं खूब अच्छे से, अब इसकी मैं भुनाई करूंगी, और ये खूब अच्छे से हमारी भुनाई हो गई है। इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर, और इसके अंदर मैं डालूंगी गोभी,
सारी गोभी डाल दूंगी मैं। और ये खूब अच्छे से मैंने मिला लिया, चम्मच चला लिया मैंने। अब इसमें मिलूंगी एक सीटी। मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चटनी भुनी हुई। ये मैंने डाला सरसों का तेल। तेल हमारा हो गया खूब अच्छे से गरम। ये मैंने डाले आलू थोड़े से, और थोड़ी सी डाली प्याज। प्याज हो गई हमारी गुलाबी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। इसमें मैं डालूंगी नमक ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। इसमें डालूंगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। अच्छे खूब अच्छे से मिला लूंगी और ये मैं इसे प्लेट रख दूंगी। और ये बन गई हमारी झटपट सी चटनी। ये चटनी मैं निकाल लूंगी प्लेट के अंदर। इसके अंदर मैं डालूंगी बटर। चटनी में बहुत ही बढ़िया लगता है बटर हमारा। और ये बन रही हमारी रोटी। लो चुपचाप से खाना खा लो पहले, अभी तो हल्ला काट रहे थे तुम। और ये ब्रेक ले लिया था खाने का हमने। और ये अब मैं भुनाई पे लूंगी, खूब अच्छे से भुनाई करूंगी। अभी बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी लग रही थी तो इस मारे मैंने ये कर दिया था। और ये शाम को खाएंगे हम बच्चों के साथ। मैं भी खाना खाने बैठ गई हूँ। बिस्मिल्ला, बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है, आप भी खाएं। और ये चटनी देखो, बच्चों ने सारी सफा चट कर दी। अरे मेरे लिए भी तो रहने दो, बच्चों को इतनी मजे की लगी चटनी, चट कर दी चटनी। और ये खूब अच्छी से मैंने भुनाई कर ली है, ये देखें। इसमें बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला है, भाप लग रही है कैमरे पे। और ये बिल्कुल भी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, एकदम घुटी हुई गोभी गोश्त बनाया मैंने, ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट। ये हमारा तैयार है, रेडी है। ये मैं सारा डिश में निकालूंगी। और ये एकदम गर्मा गर्म हो रहा है। इसके साथ पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मजे के लगते हैं पराठे भी। और इसके साथ चूल्हे की रोटी हो वो भी बहुत बढ़िया लगती है। और ये देखें इतना गर्म है कि धुआं निकल रहा है। और ये हमारा मसाला है जो मैंने पीसा था, ये मैं डाल दूंगी। इसे डाल के ना बस जायका ही अलग आता है। और ये हमारा तैयार है। अब ये रेडी है दस्तखान पे जाने के लिए डिश। और यहाँ खाना वाना मैंने बना लिया था वो, लेकिन अभी खाया नहीं था क्योंकि हमने भुनी हुई चटनी बनाई थी तो उससे खाया था। अभी जो मैंने गोभी गोश्त बनाया वो हमने खाया नहीं है, चखा तक नहीं है। और अभी बाजी का फोन आया, खाला का भी फोन आया कि खाला बाजी के घर जा रही है, तो मुझे भी फोन करा था खाला ने, तो उस मारे मैं भी जा रही हूँ बाजी के घर। अब मिलेंगे हम, तो अब मिलेंगे हम बाजी के घर पे। वालेकुम सलाम। और मेरी बहन, तुम मुझे तो ऐसा लगा तुम सीधी जयपुर से आई हो, कभी हमारे घर नहीं आते। आ रहे थे तुम्हारी यहाँ, फिर वो शबाना बजी के चलते। देख लो तुम्हारी मोहब्बत पर, फिर भी मैं बुरा नहीं मानी। मैं आ गई यहाँ पर और मेरे बेटा
भतीजा, ये मेरा भतीजा है, बहुत क्यूट सा, भांजा भी भतीजा भी है। मूड खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, पापा की याद आ रही है ना। अट्टे पे चल रहा है, अट्टे पे। और बहन ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, तुम सुनाओ। और हमारा घर छोड़ के आ गई तुम भी, तुमसे भी शिकायत है मुझे, कल आओगी? ठीक है। और ये देखो खाला, मैं कह रही हूँ ना मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, तो कह रही है हिना से कल उसके घर पहुंची जाओ। तो यानी जो मैं कह रही हूँ, मैं क्या ऐसी कह रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ मैं तो। पनीर लगता है। और अम्मा ये दोनों देखो, ये सोफे के इधर क्यों कर रहे हो बच्चे? ओफो, इधर नाश्ता लग रहा है। वाकई बड़े ही तेज बच्चे हैं वैसे, वाकई अपना जल्दी से काम बना रहा है, जल्दी जल्दी जगह बना रहा है। जा घूम कर आओ बाहर। और जी खाला जी, लो नाश्ता करो, लेना दूध ले। अरे मैं ले लूंगी। लो बहन, लो बहन, दुआ में याद रखना बहनों। बिल्कुल हमेशा। चाय, 4 बजे वाली चाय आज मैंने बाजी के घर पी, मैं थक गई ना, मारा मेरे कुछ निकलता। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने मेरे घर से बाजी के घर पे मुझे पहुंचा दिया, वरना 4 बजे वाली चाय मैं अपने घर पे पी थी, अब मैं पी रही हूँ बाजी के घर पे। और ये सब नाश्ता करना है। और अम्मा भाई अभी नाश्ता करने के बाद मिलेंगे हम ना, नाश्ता सारा निपटा देंगे, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में रही। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और बाजी बनाने खड़ी हो रही थी, मैंने बाजी को हटा दिया, मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर मेरी प्याज ब्राउन हो रही है, देखा छोटी बहनों का ये फायदा होता है, अपनी बहन को मैं करने नहीं देती। और अभी दिखाती हूँ मैं अपना मसाला, ये कोरमे का ले लिया मैंने मसाला, ये है पिसी हुई मिर्चे, धनिया, अदरक लहसुन, हल्दी, नमक, 5 इलायची, काली लौंग, और ये है जावित्री, और ये है मगज, इसे कहते हैं मगज। आज मैं बनाऊंगी दिल्ली का मशहूर चिकन कोरमा बनाऊंगी, जो के दिल्ली का सबसे ज्यादा फेमस होता है चिकन कोरमा। और ज्यादातर मैं यहाँ पर बाजी के आती हूँ तो मैं ही बनाती हूँ, बाजी को बनाने नहीं देती, क्योंकि शुरू से मैंने बाजी को करने नहीं दिया जब मैं होती हूँ। तो इतने हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, इतने मेरी बहन ने मेरे लिए चाय बना दी, अब इतनी गर्मी में। हाँ हाँ नहीं जाएगी बाजी अपने लिए अलग से और बना रही, चाय कम पड़ गई थी, उन्होंने अपने सिस्टर की मुझे दे दी, मैं मना कर रही थी मुझे मत दो, लेकिन वो मानी नहीं, नहीं पियो पियो, और मैं मना कर रही हूँ बनाते हुए, मैंने पी थी अब मोहब्बत बस। और ये खूब अच्छे से मेरी प्याज हो गई है ब्राउन, और ये देखे बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब मैं प्याज मैंने निकाल ली है सारी, इसके अंदर अब मैं डालूंगी अपना मसाले। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर अब पानी, अब इसकी करूंगी खूब अच्छी सी भुनाई करूंगी मसाले की। ये रही मेरी प्याज, इसको एक दूसरे से थोड़ी अलग कर लूंगी, एकदम चिपक गई है ये। और ये प्याज में थोड़ी हवा लगाऊंगी मैं। ये रही मेरी दही, ये है 1/2 किलो दही, दही और प्याज को दोनों साथ पीस। और ये रहे हमारे मखाने, इसे मैं कूट लूंगी हल्का हल्का। और ये मसाला हमारा अच्छे से खूब भुन गया है, इसके अंदर अब मैं डालूंगी मगज, डाल दूंगी सारे। इसको खूब अच्छे से भून लूंगी मैं। और ये मैं डाल रही हूँ दही और प्याज पीस रही हूँ मैं। और ये पीस लिया मैंने अदरक लहसुन सारा परफेक्ट। और इधर हमारा मसाला भी खूब अच्छे से भुन गया है, भुनाई बहुत सही वाली हो गई है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा ये डालूंगी, थोड़ा थोड़ा दही और प्याज डाल के इसकी भुनाई करूंगी मैं बस। और ये देखें दही और प्याज डालने से कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सुनहरी कलर हो रहा है। और ये रही हमारा चिकन, चिकन खूब अच्छे से मैंने धो लिया है, और खूब अब मैं इसको एक बार और पानी निकालूंगी। और ये ढक्कन हटा कर देखते हैं हम, मसाला हमारा खूब अच्छे से भुन गया है। चिकन कोरमे में भुनाई बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, अगर भुनाई अच्छी होगी तो हमारा चिकन कोरमा भी बहुत बढ़िया बनेगा।
और ये खूब अच्छे से हो गई हमारी भुनाई। और ये देखें दाना पड़ गया मसाले के अंदर। अब मसाले का अंदर मैं डालूंगी अब ये चिकन। और ये सारा चिकन मैंने डाल दिया और इसमें खूब अच्छे से चम्मच चलाऊंगी। अब मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से चम्मच चला रही हूँ तो फिर वही आवाज़ आएगी। अभी थोड़ा अब ये मैं अच्छे से चलाऊंगी चम्मच। अब सही चलाया जा रहा है मेरे से। और ये देखें चिकन कोरमा हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार होगा माशाल्लाह से। अब इसमें प्लेट ढक देंगे हम। और ये बना लिया मैंने सलाद। सलाद बहुत सारा बनाया है क्योंकि गर्मियों में सलाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हम देख रहे हैं कि हमारे कोरमे के क्या हाल हैं, खूब धुआंदार हो रहा है। और ये मैं डाल दूँगी मखाने जो मैंने फ्राई करे थे हल्के प्याज डालने से पहले। अभी थोड़ी और भुनाई की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल तैयार है अब हमारा मामला। चिकन कोरमा अब मेरा काम पूरा होगा, मैं जा रही हूँ अंदर। अरे खोलो गेट खोलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अच्छा मेरे बगैर सबों ने महफिल बना रखी है। ला कोल्ड ड्रिंक दो हमें भी भतीजे। अप्पा को कोल्ड ड्रिंक दो जल्दी से। तो नहीं दोगे इतना बड़ा करो, चलो जल्दी से माम कर दो। हमारा लग गया दस्तरखान माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह कैसा बना है तो बता दो। बहुत अच्छा माशाल्लाह मजा आ गया। मैंने खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते लाइट चली गई। लेकिन खाने का काम हम पूरा ही करके दम लेंगे। खाना भी कोई छोड़ नहीं रहा, सब अंधेरे में खा रहे हैं, सब लगे हुए खाना खाना हमें। खा रहा शरारत तो दे दो मुझे। आगे प्लेट रखी हुई है, दूसरी दो मुझे जो हॉटपॉट के आगे रखी हुई है। और अरमान भाई कहाँ जाने की तैयारी? ओहो माशाल्लाह, कभी हमारे घर भी आ जाए करो। और ये क्या पी रहे हो? तो अच्छा एनर्जी आती है। चलो एनर्जी आती है, एनर्जी आ गई। अब इसी बात पे घर छोड़ दिया खाला को। हाँ पियेंगे कोल्ड ड्रिंक मैं भी। मेरा बाजी का घर आने का रीजन ये है कि मेरे भांजी की तबीयत ज्यादा खराब थी और इसके सुबह शाम ड्रिप भी लग रही है। और मैं दो तीन दिन पहले मैं हॉस्पिटल में भी रुक कर आई थी आधे दिन, लेकिन वो चीज़ें मैंने दिखाई नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं। अल्लाह दुआ करना सब मेरे भांजी की तबीयत अच्छी हो जाए, सही हो जाए। और पतरी का दर्द उठा था बहुत ज़बरदस्त वाला उठा था। और ये टुकड़ा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। सुहेल के कमरे में ही है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जल्दी उतरो बच्चों, जल्दी जल्दी।